हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप सैमसंग के मोबाइल में, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी डिवाइस है, अगर उस मोबाइल में ये बटन्स आते हैं, ये तीनों बटन्स आती है, तब इस बटन्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस नेविगेशन बटन को हाइड करना चाहते हैं तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना होगा। तो आप अपने मोबाइल का सेटिंग्स ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डिस्प्ले का, तो आपको डिस्प्ले के सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन मिलते हैं, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा नेविगेशन बार, तो आपको नेविगेशन बार में क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन जेस्टर्स, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ से बैक हो जाना है। आपको यहाँ से अब बैक कैसे होना है, क्योंकि अब यहाँ पर एक भी बटन्स नहीं है, तो आपको अब ऐसे करके बैक होना है जैसे कि आपको ट्यूटोरियल में दिखाया था। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूट्यूब ओपन किए हैं, अगर आपको यूट्यूब से आपको होम स्क्रीन में जाना है तो आपको ऊपर से नीचे करना है ऐसे, तो ये आपको होम स्क्रीन में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर दो तीन एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, अगर आप कहीं से बैक होना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए, फिर होम स्क्रीन में आ जाएंगे। ये ऐसे करके भी बैक होता है, ऐसे करके भी बैक होता है। अगर आपको रिसेंट टास्क ओपन करना, जैसे कि यहाँ पर मैं स्नैपचैट ओपन कर लेता हूँ, गेम लॉन्चर ओपन कर लेता हूँ और अमेजन शॉपिंग ओपन कर लेते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करना है तो आपको अपने फिंगर को यहाँ पर इस तरह से थोड़ा होल्ड करके रखना है और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लोज ऑल में क्लिक कर दीजिए, आपका रिसेंट एप्लीकेशन टोटल क्लोज हो जाएगा। तो आप इसी तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी वेबसाइट की बात करूँ, तो यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया और आपको दिखाता हूँ, अगर आप कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो आप वहाँ से कैसे बैक हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं, ओके, हम अभी इस पेज पर है। अगर आपको इस पेज से निकलना है, बैक होना है, तो आपको ऐसे करना है, ऐसे स्लाइड करना है, स्लाइड करेंगे बैक हो जाएंगे। अगर आपको होम स्क्रीन में जाना है तो आपको ऐसे करना है, आप होम स्क्रीन में चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पर क्लोज ऑल में क्लिक कर देंगे तो आपका रिसेंट टास्क टोटल क्लोज हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।